बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुशहाल खुशबाश और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये डबल स्टाइल दाल चना की रेसिपी है। और कैसे बनती है आइए आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने दाल चना ली है और इसको धो के मैंने, ये तकरीबन 2 घंटे हो गए मैंने इसको भगो दिया था। ठीक है, इधर मैंने लिए है 2 अदद प्याज, 2 ही टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, अदरक है और ये लहसुन है 1 चम्मच भर के, फ्रेश छिला हुआ और कुटा हुआ है। 2 चम्मच भर के मैंने दही के लिए है, नमक है, सुरख मिर्च है, ड्राई जिंजर यानी कि अदरक पाउडर है, सुरख मिर्च है, धनिया पाउडर है और गरम मसाला है। टोटल इसके इंग्रेडिएंट्स यही है। तो आई रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। चूल्हे को हम ऑन करेंगे और इसमें डालूंगी मैं 1/4 कप ऑयल का। ठीक है, बाद में मैं इसको तड़का भी लगाऊंगी तो इस टाइम पे मैं ऑयल थोड़ा कम डालूंगी। इसमें मैं डालूंगी प्याज, प्याज को मैं हल्का सा लाइट गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ। प्याज हमारा हल्का गुलाबी हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, लहसुन और अदरक। इसकी हल्की सी भुनाई का देते हैं ताकि टमाटर जो है वो मेल्ट हो जाए और हमारा मसाला जो है वो यकजान सा बन जाए। तो देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से यकजान हो चुका है। तो अब हम डालेंगे इसमें ड्राई मसाले, नमक है, हल्दी है, ड्राई जिंजर है, सुरख मिर्च है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने बचा लिया है, वो हम एंड पे डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी दाल। दाल डालकर मैं इसकी अच्छी तरह से बनाई करूँगी और फिर इसमें 1 कप पानी का डाल दूंगी ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, बस लोग दाल को पहले फ्राई कर लेते हैं फिर मसाला डाल के इसमें ऐड कर देते हैं, बट जब हम दाल को मसाले के साथ भूनते हैं तो इसमें दाल में बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। इसकी मैं 3 से 4 मिनट करूंगी बनाई। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी सब्ज मिर्च, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी दही जो कि 2 चम्मच था। अब हम इसकी करेंगे अच्छी तरह से बनाना। दाल हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है, अब मैं डालूंगी इसमें 1 कप पानी और इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। और इसको हल्की आंच पर मैं गलने के लिए छोड़ दूंगी। ये 10 से 15 मिनट में गल जाएगी क्योंकि दाल पहले से 2 घंटा पहले से भुगोई हुई है, इसमें गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए दाल हमारी गल चुकी है, ये देखिए बड़ी अच्छी तरह से, और ये देखिए इसको 15 से 20 मिनट लगे हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से दाल गल चुकी है। अब मैं डालूंगी इसमें ड्राई मेथी जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। ये देखिए थोड़ा सा डालूंगी सब्ज धनिया। अब हम लगाएंगे इसको तड़का। अब मैं लगाऊंगी इसको तड़का, डबल तड़का। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच मक्खन। मक्खन जलना जाए तो इसके साथ मैं डालूंगी ऑयल, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को थोड़े से इसमें कड़कड़ाएंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का।
करके उसको हम डालेंगे दाल के ऊपर। तो देखिए दाल हमारी तैयार हो चुकी है, यम्मी सी डाबा स्टाइल दाल चना। इसके ऊपर हम डालेंगे हल्का सा धनिया और अदरक, सब्ज मिर्च, और इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। इसके साथ हम सर्व करेंगे अचार जैसा कि ढाबे में हमें मिलता है, और प्याज लेमन वाला। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे और आपके दस्तरखान को बहुत ज़्यादा वसी रखे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।